व्हाइट हाउस ने एक समाचार रिपोर्ट की पुष्टि करने से इनकार कर दिया है कि अमेरिका ने पिछले साल भारतीय सेना को महत्वपूर्ण वास्तविक समय की खुफिया जानकारी प्रदान की थी, जिसने हिमालय में चीनी घुसपैठ को सफलतापूर्वक विफल करने में मदद की थी। व्हाइट हाउस में सामरिक संचार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सामान्य व्यक्ति जॉन फिरपिन ने समाचार रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर सोमवार को यह कहा कि दैनिक समाचार सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा नहीं है, इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। एक विशेष रिपोर्ट में यूएस यूजर ने कहा कि भारत पिछले साल के अंत में अमेरिका सेना के साथ अभूतपूर्व खुफिया साझाकरण के कारण ही उच्च हिमालय में सीमा क्षेत्र में चीनी सैन्य घुसपैठ को पीछे हटाने में सक्षम था, एक ऐसा कार्य जिसमें चीन के पुलिस लिबरेशन आर्मी को बंद कर दिया था। गार्ड को भी बीजिंग और ऐसे प्रतीत होता है कि उसने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी सीमाओं पर भूमि हड़पने पर दृष्टिकोण पर पूर्ण विचार करने के लिए मजबूर किया। भारतीय और चीनी सैनिक ने दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तोंग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भिड़ गए और आमने सामने होने के कारण दोनों पक्ष को कुछ कर्मियों को। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। पाकिस्तान के सेना ने शनिवार को कहा कि ईरान से आए हमलावरों ने उसके सीमा पर गश्त कर रहे 4 जीवन की हत्या कर दी। सेना ने एक बयान में कहा कि ईरान पक्ष के सक्रिय आतंकवादियों को एक समूह ने पाकिस्तान ईरान सीमा पर सक्रिय पाकिस्तान सुरक्षा बलों के एक नियमित सीमा गश्त पर हमला किया। यह घटना दक्षिण पश्चिम गुलिस्तान प्रांत के जिले में हुई, जो अफगानिस्तान और ईरान के साथ एक लंबी अराजक सीमा साझा करता है। सेना ने कहा कि पाकिस्तान अधिकारी भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के तरीके की तलाश के लिए ईरान से संपर्क कर रहा है। किसी ने जिम्मेदारी का दावा नहीं किया है। क्षेत्र में विद्रोही जातीय बलूची राष्ट्रवाद समूह का कहना है कि वे क्षेत्रीय संसाधन के बड़े हिस्से के लिए लड़ रहे हैं। बलूच समूह सीमा के दोनों ओर सक्रिय हैं। यह प्रांत खनिजों से समृद्धि और इसमें गहरे पानी का वादा बंदरगाह भी है, जिससे पाकिस्तान में बीजिंग के 65 बिलियन बेल्ट एंड रोड निवेश के हिस्से के रूप में चीनी धन से विकसित किया जा रहा है। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को यह कहा कि वह युग जब कोई भी भारत की भूमि पर अतिक्रमण कर सकता था बीत चुका है और कोई भी इसके सीमा पर आग उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। भारत के सबसे पूर्व स्थान अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए शाह ने कहा कि सेना और ITBF कंपनियों की वीरता यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी भारत के इंच जमीन का भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। उन्होंने पूर्वोत्तर में किए गए बुनियादी ढांचे और अन्य विकास कार्यों की ओर इशारा करते हुए कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्री ने कहा, वह जमाना चला गया जब कोई भी हमारी जमीन पर कब्जा कर सकता था। अब सुई की नोक 1 इंच जमीन के बराबर भी जमीन पर कब्जा नहीं किया जा सकता है। 1962 के युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले बीती के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए शाह ने कहा कि वे संसाधनों की कमी के बावजूद अदम्य भावना से लड़े। शाह ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में कोई भी नमस्ते नहीं कहता, क्योंकि लोग एक दूसरे को जय हिंद कहते हैं।